हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको सर्वाइकल यानी कि गर्दन के दर्द से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। गर्दन का दर्द गर्दन की बनावट में गड़बड़ी के कारण होने वाला रोग है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग में 7 गुरियाँ होती हैं। इन 7 गुरियों में सिकुड़न या घिसावट होने से गुरियों के बीच की जगह संकरी हो जाने, गर्दन की कोशिकाओं की टूट फूट से जमावट और अकड़न होने से सर्वाइकल सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न होता है। इसके मुख्य लक्षणों में गर्दन की नसों पर दबाव पड़ने से गर्दन में, गर्दन के आसपास, गर्दन के पिछले भाग, गर्दन के आसपास दोनों कंधों के मध्य और मस्तिष्क में दर्द और तनाव होने लगता है। धीरे धीरे भुजाओं में, हाथों में और उंगलियों तक यह दर्द फैल जाता है। प्रातः कभी कभी उंगलियाँ भी सुन्न हो जाती हैं। गर्दन में दर्द व अकड़न के अतिरिक्त सिर में दर्द, चक्कर आना, मस्तिष्क में दर्द और बेचैनी, हाथों की पकड़ कमज़ोर होना, गर्दन घुमाने में अवरोध या तकलीफ होना आदि इसके मुख्य लक्षण देखे जा सकते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल के मुख्य कारणों में यह रोग गर्दन के गलत इस्तेमाल करने, फॉर्म के गुदगुदे गद्दे तकिए पर सोने, दो दो तकिए लगाकर सोने, सामने की ओर अधिक देर झुके रहने, ऊपर अधिक देर तक गर्दन उठाए रखने, लगातार लंबे समय तक बैठे बैठे या खड़े खड़े काम करने अथवा लिखने पढ़ने, गर्दन या कमर झुकाकर काम करने, स्कूटर पर सवारी ज़्यादा देर तक बिठाने या गलत पोस्चर में ड्राइविंग करने आदि से इन रोगों को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, इसकी चिकित्सा से जुड़े हम कुछ उपाय आज आपको बताएंगे। सबसे पहले, दवाओं के सेवन से ये रोग दूर हो जाता है, लेकिन इसमें अत्यधिक सहायता नहीं मिलती और ना ही स्थायी रूप से लाभ होता है, क्योंकि यह रोग गर्दन की बनावट में विकार आ जाने से उत्पन्न होता है। दर्द दूर करने वाली औषधि ज़्यादा लेने से नए रोगों की उत्पत्ति भी हो जाती है, जैसे पेट खराब होना, एसिडिटी, किडनी पर असर, याददाश्त में कमी आदि। इस रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम रोग उत्पन्न करने वाले कारणों से बचना जरूरी है, जैसे गर्दन झुकाकर लिखने पढ़ने या बैठने उठने की आदत छोड़ना, मोटे तकियों का इस्तेमाल ना करना, फॉर्म के या ज़्यादा गुदगुदे गद्दे पर सोने से बचना आदि। इसके अलावा आप नियमित योगाभ्यास और व्यायाम करके भी सर्वाइकल से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको सर्वाइकल से जुड़ी कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।